अलैक स्टूडेंट्स आई एम योर टीचर मिस जरीन अनीस एक्सप्लेन यू चैप्टर लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हमारे पास आफाक सन सीरीज और सिंध टैक्स बुक बोर्ड दोनों में चैप्टर नाइन है लुक एट दिस टू बुक्स आर देयर दिस इज आफाक सन सीरीज लीनियर इक्वेशन यूनिट नंबर नाइन एंड दिस इज एस टी बी बी सिंध टैक्स बुक बोर्ड जाम शोरो यूनिट नंबर नाइन लीनियर इक्वेशन ओके टुडे आई हैव टू एक्सप्लेन यू एक्सरसाइज नाइन पॉइंट टू विच इज इन पेज नंबर वन ट्वेंटी टू ऑफ आफाक सन सीरीज बुक इसका क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास मेक द लीनियर क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन लिखा है अ नंबर इंक्रीज बाय फाइव इज इक्वल टू टेन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ये कीज़ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन है जिसकी मैं पहली वीडियो आपको बना चुकी हूँ आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अनंबर अनंबर इंग्लिश वर्ड्स हैं इंग्लिश इंग्लिश वर्ड्स का जो जल्चेबिक ट्रांसलेशन जो लीनियर ट्रांसलेशन होगी वो एनी वेरिएबल ए टू जेड यानी अ नंबर का मतलब कोई भी वेरिएबल अब आपकी मर्जी है आप ए लें बी लें या जी लें ये इट्स अप टू तो यू अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज इंक्रीज का मतलब क्या होता है प्लस लुक एट दिस इंक्रीज का क्या मतलब होता है प्लस इट मीन्स अ नंबर का मतलब कोई भी वेरिएबल इंक्रीज का मतलब वो प्लस हो रहा है किससे प्लस हो रहा है फाइव से इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू अपनी लीनियर इक्वेशन या अल्जाब्रिक ट्रांसलेशन की सिंबल्स में देखते हैं लोकेट दिस यहाँ पर नंबर सेवन पर लिखा हुआ है इज इक्वल टू और इक्वल टू का मतलब है ये इज इक्वल टू की साइन यानी इज इक्वल टू का मतलब इज इक्वल टू टेन हमारे पास एक पूरी लीनियर इक्वेशन बन गई और वो क्या बनी एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टेन ये हमारे पास एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसका एक ही वेरिएबल है और उसकी डिग्री या एक्सपोनेंट भी वन है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है अब हम हाँ अगर इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास नाइन पॉइंट टू में है सॉल्व ऑल द इक्वेशन तो यहां पर मैंने आपको ट्रांसपोजिंग मेथड बता चुकी हूं देखिए स्टूडेंट्स प्लस का अपोजिट है माइनस आप इसको इस तरीके से भी कर सकती हैं जो आप राइट हैंड साइड पर कर रही हैं प्लस फाइव लिखा हुआ है उसको करेंगे आप माइनस फाइव उसी को लेफ्ट हैंड साइड पर कर दें प्लस फाइव और माइनस फाइव हो गया कैंसिल एक्स की वैल्यू आ गई फाइव और दिस इज द आंसर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं आप लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास ट्वाइस ऑफ अ नंबर ड्रीज बाई सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्थ अब हम अपनी लीनियर इक्वेसन कीज में देखते हैं कि ट्वाइस ऑफ अंबर मीन्स है क्या यहाँ पर डिक्रीज बाई का मतलब होता है माइनस लुक एट दिस माइनस और ट्वाइस ऑफ आ नंबर देखते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन में ट्वाइस ऑफ आ नंबर है हमारे पास टू टाइम्स अ नंबर ट्वाइस ऑफ आ नंबर और डबल ऑफ आ नंबर का मतलब किसी भी वेरिएबल को टू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वेरिएबल जो कि एक अनोन यहाँ पर मैंने सब एक्स लिखा हुआ है आपकी मर्जी आप जेड लिख दें आपकी मर्जी आप बी लिख दें आपकी मर्जी आप सी लिख दें इट्स नंबर का मतलब दो है जो कि एक वेरिएबल है अ नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है डिक्रीज बाय डिक्रीज हो रहा है सेवन से ठीक है इक्वल टू ट्वेल्व यानी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई टू सी माइनस सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व कोई भी नंबर है जिसका ट्वाइस सेवन से बड़ा है यानी सेवन छोटा है ट्वाइस ऑफ अ नंबर से क्वल टू ट्वेल्व अब लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है अब एक बच्चे की कॉपी चेक करते हुए उसने उसने क्या मिस्टेक की उसने एक क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक की है और वो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो गया वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था एक्स अपॉन थ्री माइनस वन इज इक्वल टू सेवन इट इज एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स उस बच्चे ने वेरिएबल को अलग नहीं किया और यहीं पर इन दोनों का एलसीएम ले लिया नहीं स्टूडेंट्स आप पहले यहाँ पर वेरिएबल्स अलग करें ठीक है आप पहले यहाँ पर वेरिएबल्स अलग करें अगर आप वेरिएबल्स अलग नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू सेवन प्लस वन ठीक है अब हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू एट कॉन्स्टेंट एक जगह चले गए कॉन्स्टेंट एक जगह आ गए क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ओके स्टूडेंट्स उस बच्चे ने क्या किया जो माइनस था माइनस के नीचे वन लिख दिया थ्री और वन का एल्सियम ले लिया क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली रॉन्ग हो गया अब क्वेश्चन है आपके पास टू जो कि सी से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सी अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन कर क्वेश्चन थ्री हमारे पास है नाइन पॉइंट टू एक्सरसाइज का पेज नंबर वन ट्वेंटी टू पर है क्वेश्चन नंबर थ्री है वन फिफ्थ अ नंबर इज इक्वल टू सेवन अब हम अपने लीनियर इक्वेशन की कीज़ को देखते हैं क्या हमारी कीज में इक्वेशन की कीज़ हैं क्या हमारे पास वन फिफ्थ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ होगा तो हम उसको खुद से बताना की कोशिश करेंगे वैसे देख लेते हैं स्टूडेंट्स लुक एट दिस यहाँ पर हाफ ऑफ आ नंबर लिखा हुआ है हाफ ऑफ आ नंबर वन आ टू एक्स ठीक है चाहिए वन थर्ड लिखा हुआ है वन फिफ्थ नहीं लिखा हुआ वन थर्ड का मतलब वन आ थ्री एक्स थ का मतलब वन अपऑन फोर एक्स वन फिफ्थ का मतलब वन अपऑन फाइव एक्स टू थर्ड का मतलब टू अपॉन थ्री एक्सेंड्स फिफ्थ ऑफर नंबर का मतलब वन अपॉन फाइव कोई भी वेरिएबल ले लें मैंने यहाँ पर ले लिया बी इज इक्वल टू का मतलब इक्वल टू सेवन अब आप क्या करेंगे आपके पास वेरिएबल अलग है और कांस्टेंट अलग है क्रॉस मल्टीप्लाई करें आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है सिक्स लेस देन यानी सिक्स छोटा है थ्री टाइम्स अ नंबर थ्री है कोई भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है अब वेरिएबल के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है कोई भी वे, नंबर वेरिएबल से कौन मल्टीप्लाई कर रहा है थ्री अब अ नंबर आप यहाँ पर जेड ले लें एज ट्वेंटी फोर अच्छा थ्री सेड सिक्स से बड़ा है ये याद रख लें सिक्स छोटा है थ्री जेड से या थ्री जेड सिक्स से बड़ा है तो यानी कि यहां पर माइनस यह सिक्स आएगा स्टूडेंट्स क्या करेंगे सिक्स माइनस थ्री वेरिएबल लिखा इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अगर यहां पर फ्रॉम होता सिक्स सब्टेक्टेड फ्रॉम थ्री टाइम्स अ नंबर तो आप थ्री टाइम्स अ नंबर को पहले लिखते ठीक है अगर यहाँ पर डिक्रीज बाय होता ठीक है जैसे ट्वाइस ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय तो डिक्रीज बाय का मतलब होता है कि वो उससे कमी है ट्वाइस ऑफ अ नंबर जो कि बड़ा है उससे कम है सेवन मतलब यहाँ पर तो पहले लिखा हुआ है सिक्स लेस देन यानी छ छोटा है थ्री टाइम्स अ नंबर से तो ये वाली इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी अब वहां पर प्लस सिक्स प्लस सिक्स करके आप इसको आगे बढ़ा ओके क्वेश्चन नंबर के दोबारा एक्सप्लेनेशन मांगी है मैं जरूर उसको करूंगी। पहले हम देखते हैं कन्जेगेटिव नंबर हमारी शीट पर है क्या एट दिस हमारे पास कंजेकेटिव नंबर लिखे हुए थ्री ओके यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंजेकेटिव नेचुरल नंबर भी है अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ टू कंजेकेटिव नेचुरल नंबर इज फोर्टी फाइव तो सम का मतलब होता है प्लस पहला कंजेकेटिव नंबर फर्स्ट कंजेकेटिव नंबर इज एक्स देन सेकेंड इज एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन पहला है एक्स दूसरा एक्स प्लस वन क्या हो गया इसका फोर्टी फाइव ये हमारे पास हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई यानी एक्स प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर्टी फाइव मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ एक्स में जब एक्स को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों टर्म है दोनों एक्सपोनेंट भी सेम है वेरिएबल भी सेम है तो ये हो गया टू एक्स वेरिएबल हो गया लेफ्ट हैंड साइड पर और कोफिशेंट और कॉन्स्टेंट हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे यहाँ पर मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ ट्रांसपोजिंग मेरते है आप उसको डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं फोर्टी फाइव प्लस को इधर ले जाएं तो ये माइनस वन हो जाएगा ठीक है आप प्लस वन से माइनस वन हो गया कैंसिल टू एक्स टू एक्स इज इक्वल टू फोर्टी फोर यानी हमारे पास जो पहला कंजेकेटिव नंबर है वो आ गया ट्वेंटी टू और दूसरा कंजेकेटिव नंबर क्या होगा एक्स प्लस वन ट्वेंटी टू प्लस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री ओके अब इन दोनों का सम क्या है एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू फोर्टी फाइव ट्वेंटी टू है पहला नंबर ट्वेंटी टू प्लस वन है दूसरा नंबर इन दोनों का सम हो गया फोर्टी फाइव हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया ओके okay, स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ऑफ सन सीरीज या सिंह बुक पोर्ट क्लास फाइव सिक्स फोर्थ थ्री टू वन ठीक है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू